जैसे कि मैंने आपको लास्ट मॉड्यूल में बताया था कि जो है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन की तीन अप्रोचेस हैं प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस एंड कोजाई एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस तो आइए इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइंस कैसे होते हैं प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन डिज़ाइन की जब हम बात करते हैं तो इसमें uh, जो है एक आस्पेक्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट होता है और दूसरा आस्पेक्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट नहीं होता इसी वजह से इसको प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन कहा जाता है वो आस्पेक्ट ये है कि इसमें हम इंटरवेंशन uh, uh, तो करते हैं और इंटरवेंशन के बाद जो है अपने वेरिएबल को टेस्ट असेसमेंट में ऑब्जर्व करते हैं मगर हम इसमें कंट्रोल ग्रुप नहीं रखते Uh, यानी हम उसको कंपेयर नहीं कर पाते जो हमारी इंटरवेंशन है ट्रीटमेंट ग्रुप पे उसका क्या डिफरेंस है विद द कंट्रोल ग्रुप द प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन इंक्लूड्स वन और मोर देन वन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स टू बी ऑब्जर्व अगेंस्ट सर्टेन ट्रीटमेंट्स तो ये ग्रुप एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं एंड प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइंस दैट फॉलोज द बेसिक स्टेप्स इन एक्सपेरिमेंट्स यानी आप इंटरवेंशन करते हैं ट्रीटमेंट देते हैं प्री एंड पोस्ट असमेंट करते हैं तो ये कुछ बेसिक स्टेप्स हैं जो कि हम प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन में फॉलो करते हैं द प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन डज नॉट है कंपेरिजन ग्रुप जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसमें कंट्रोल ग्रुप नहीं होता अगर हम इसकी करैक्टरिस्टिक्स की बात करें तो वी यूज़ प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन

प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन टेल्स द रिसर्चर हाउ देयर इंटरवेंशन विल अफेक्ट द होल स्टडी यानी उसमें आपके पास ये भी एक प्रिलिमिनरी फाइंडिंग होती है कि इसका इम्पैक्ट क्या आएगा ओवरऑल स्टडी के ऊपर एंड प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन गिव एविडेंस फॉर और अगेंस्ट द इंटरवेंशन यानी कि जो इंटरवेंशन की गई है उसके हक़ में आपके नतए हैं या उसके अगेंस्ट नतए हैं तो वो इंटरवेंशन कितनी सूटेबल है सूटेबल है ये आपको प्री एक्सपेरिमेंट इंटेल जो है रिसर्च में पता चल जाता है इसके इश्यूज़ क्या है इसका जो फर्स्ट इशू है वो ये है कि इसमें जो सब्जेक्ट सेलेक्ट किए जाते हैं पॉपुलेशन से यानी जो सैम्पल सेलेक्ट किया जाता है वो रैंडमली बेसिस पे नहीं किया जाता और फिर जब सब्जेक्ट्स को ग्रुप्स में बांटा जाता है तो वो भी रेंडम असाइनमेंट नहीं होती बल्कि उनको पर्पसफुली या कन्वीनियंट बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और सिमिलरली नो रैंडम असाइनमेंट ऑफ ट्रीटमेंट ग्रुप एज वेल यानी जो रैंड ट्रीटमेंट ग्रुप में जो है एक्सपेरिमेंट ग्रुप में जो लोग सेलेक्ट हुए वो भी रैंडमली असाइन नहीं होते और हमारा इसमें डिग्री ऑफ कंट्रोल बड़ा लिमिटेड होता है ऑन एक्सट्रास वेरिएबल्स अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें तो ये कॉस्ट अफेक्टिव डिजाइन है सिंपल टू कंडक्ट है और एफिशिएंट है इन नेचुरल इन्वामेंट बिगिनर्स के लिए सूटेबल है लेस ह्यूमन इंटरवेंशन इन्वॉल्व होती है इसमें और ये आपको डिटरमिन करके देता है कि हाउ योर ट्रीटमेंट इज़ गोइंग टू अफेक्ट द ट्रू एक्सपेरिमेंट एज वेल इसके डिसएडवांटेजेस की बात की जाए तो इट्स अ वीक डिज़ाइन टू डिटरमिन काजवल रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स डज नॉट हैव एनी कंट्रोल ओवर द रिसर्च यानी उसके जो एक्सटर्नल इन्वामेंट है एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स हैं कन्फाउंडिंग वेरिएबल्स जो हैं उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता uh, इसी वजह से इसकी जो इंटरनल वैलिडिटी को हाई लेवल थ्रेट्स होते हैं एंड रिसर्चर्स फाइंड इट टफ टू एग्जामिन द रिज़ल्ट इंटेग्रिटी यानी जो रिज़ल्ट आपने डिड्यूस किए हैं वो कितने साइंटिफिक हैं उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन मार्क रहता है एंड द एबसेंस ऑफ अ कंट्रोल ग्रुप मेक्स द रिजल्ट लेस रिलायबल Uh, यानी जब आपके पास एक कंपेरिटिव ग्रुप भी नहीं है जिससे आप कंपेयर सक, कर सकें अपनी इंटरवेंशन का रिज़ल्ट तो इस वजह से इस इन डिज़ाइंस की जो है रिलायबिलिटी भी कम हो जाती है